नमस्कार दोस्तों, सर्जिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, RCFL की तरफ से जो है यहाँ पे वैकेंसी आपकी निकाली गई है मैनेजमेंट ट्रेनी का। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग जो है आप लोग यहाँ पे आके आप लोग डिटेल इसका नोटिफिकेशन देख सकते हो। इसमें देखिए आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे रिगार्डिंग जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए, इसमें जो है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसमें देखिए, यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। तो पहला देखिए आपका है मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल वालों का। तो इनका देखिए टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी है तो इसमें 14 है। और यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, क्वालिफिकेशन जो इन्होंने देखिए मांगा हुआ है आपका। और ये जो है क्वालिफिकेशन आपका 1/3/2022 आपका ये फुलफिल आपका ये काउंट किया जाएगा, मतलब इस डेट को काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपके पास क्वालिफिकेशन में 4 ईयर का BTech या फिर BSc का आपके पास डिग्री होनी चाहिए, केमिकल में होना चाहिए आपका, क्योंकि ये केमिकल का है आपका। इसके साथ में केमिकल टेक्नोलॉजी जो भी दिया हुआ है इसमें ही आपका होना चाहिए। और इसके साथ में देखिए दिया हुआ इन्होंने और करके BTech तो चलेगा ही आपका। अगर आपके पास जैसे 3 ईयर्स का भी रेगुलर या फिर फुल टाइम BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग का अगर आपके पास है आपका केमिकल डिसिप्लिन में, तो ही जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ में देखिए यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन करके दिया हुआ है कि कोई आपका जैसे अगर कोई अलाइड कोर्सेस है, फिर कोई डिग्री या फिर डुअल डिग्री है केमिकल इंजीनियरिंग में, तो इसको जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना है इसके लिए। और यहाँ पे देखिए इन्होंने मिनिमम परसेंटेज की भी बात कही है कि जैसे कैंडिडेट का जो है 60% से जो है आपका इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे एग्रीगेट मतलब 60% से अबव आपका होना चाहिए जो भी इंजीनियरिंग डिग्री है आपका। तो ये तो देखिए है जनरल कैंडिडेट के लिए, और 55% है ST SC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। और देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं अपर एज लिमिट की। तो ये जो है आपका 1/3/2022 से जो है आपका काउंट किया जाएगा, मतलब इस डेट को फाइनल ये मान रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका 27 ईयर्स होनी चाहिए। ये है आपका US और EWS कैंडिडेट के लिए आपका है यहाँ पर, जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और साथ में EWS है। और ST SC कैटेगरी के लिए जो है उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया था, तो 32 आपका हो जाएगा। और OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया था, तो इनके लिए 30 ईयर्स यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने रखा हुआ है। और एज लिमिट जो है आपका ये 1/3/2022 तक ही, मतलब इस डेट को जो है आपका इतना होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपका है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे। और भी देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं आपका नंबर ऑफ वैकेंसी का। तो देखिए एज लिमिट जो है आपका ये सारा चीज़ ये इसी 3 को ही काउंट किए जाएंगे आपके, जो भी इसमें वैकेंसी और भी निकाले गए हुए हैं। अगला देखिए बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल का। तो इनका केवल टोटल 4 ही पोस्ट है। तो इसके लिए इन्होंने 4 टाइम का जैसे कि इन्होंने BTech का डिग्री मांगो मैकेनिकल डिसिप्लिन से, या फिर 3 ईयर्स का रेगुलर या फिर फुल टाइम BTech या फिर BSc का अगर आपके पास डिग्री है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और ये देखिए 3 ईयर्स आपका डिप्लोमा के बाद का ही ये होना चाहिए, तो ही जो है ये एलिजिबल होंगे। और इसके साथ में देखिए परसेंटेज मिनिमम वही सेम है आपका, दैट इज 60%। और एज लिमिट आपका 27 जो है आपका ये UR कैंडिडेट के लिए, EWS के लिए 32, ST SC और 30 जो है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए। और इसके अलावा देखिए जो आपका नीचे और भी जो वैकेंसी आपके निकाले गए हैं यहाँ पर आपके, जैसे कि यहाँ पे बॉयलर का आपका निकाला गया हुआ है, तो इसका भी देखिए कुल टोटल जो है 4 ही पोस्ट है इसके अंदर में। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है उन्होंने मांगा हुआ है आपका फुल टाइम, तो आपका 4 ईयर्स का BTech या BSc का इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए। तो कौन से में, तो यहाँ पे केमिकल मैकेनिकल और साथ में इंस्ट्रूमेंटेशन का और इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन का, तो ये सब भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी करके देखिए दिया हुआ है 3 ईयर्स का, फिर अगर आपके पास BTech का डिग्री है आफ्टर डिप्लोमा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे देखिए एंड करके इन्होंने दिया हुआ है, ये किसके लिए दिए 3 ईयर्स जो इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है उनके लिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एंड करके आपका, ये तो सभी के लिए मतलब होगा कि जैसे कैंडिडेट के पास जो है वैलिड बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम परसेंटेज वही सेम है आपका और एज लिमिट जो है वही सेम इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। अगला देखिए बात करते हैं हम लोग इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेफ्टी का। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो इन्होंने केवल 2 ही वैकेंसी का दिया हुआ है इन्होंने, और इसके लिए जो मांगा हुआ है इन्होंने आपका कि 4 ईयर का BTech या फिर इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन आपका होना चाहिए, केमिकल ही ब्रांच में आपका होना चाहिए, मतलब ये प्रेफरेबली इन्होंने देखिए केमिकल डिसिप्लिन को दिया हुआ है ज़्यादा यहाँ पे। अगला देखिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, और भी आप देख सकते हो जो भी जैसे कि इन्होंने मांगा हुआ है कि 1 ईयर का एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स भी आपका होना चाहिए, तो भी जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हम लोग और भी इसमें जो आपका निकाला गया है मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल का। तो इनका देखिए केवल 3 ही वैकेंसी निकाली गई है इनके लिए,
और इसके लिए आपके पास जैसे सिविल में आपका होना चाहिए बी बीटेक का डिग्री, या फिर 3 इयर्स का डिप्लोमा, आपके 3 इयर्स का बी बीटेक आफ्टर डिप्लोमा, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम परसेंटेज और एज लिमिट आपका वही देखिए सेम ही है जैसा कि आपने ऊपर में देखा था यहाँ पे। इसके अलावा देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग फायर का भी है इसके अंदर में, तो इसमें देखिए इन्होंने 4 ईयर का बी बीटेक जैसे कि फायर या फिर फायर सेफ्टी डिसिप्लिन आपका होना चाहिए, वही सेम क्राइटेरिया इसके लिए भी रखी है इन्होंने। इसके अलावा देखिए इसमें और भी है लेकिन जो मेन ब्रांचेस होते हैं तो उन सब के लिए यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। एक और इसमें आपका है मैनेजमेंट ट्रेनिंग आईटी का, तो इसमें देखिए 3 ही है। इसके लिए इन्होंने देखिए आपका जो है मांगा हुआ है 4 ईयर का बी बीटेक बीएससी, जिसमें आपका होना चाहिए आईटी में और कंप्यूटर साइंस में, और या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपका है तो जो है इसमें अप्लाई आप कर सकते हो। और बाकी देखिए ये सारा चीज़ और भी जो है मेंशन किया गया आपका परसेंटेज का रिगार्डिंग अपर एज लिमिट की, वो सेम ही है आपका जैसा कि आपने ऊपर में देखा था। तो ये सारा कुछ देखिए इन्होंने मेंशन करके दिया हुआ है नंबर ऑफ वैकेंसी के रिगार्डिंग। और यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम लोग अप्लीकेशन फ़ी का, तो इसमें देखिए उन्होंने मेंशन करके दिया हुआ है अप्लीकेशन फ़ी जो आपका यहाँ पे देखिए 1000 रुपीज़ है आपका ये। तो ये देखिए दिया हुआ है जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते होंगे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से उनके लिए है आपका ये। और बाकी देखिए जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे ऐसे एसटीएससी या फिर जो है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट या फिर फीमेल कैटेगरी से, तो इनको देखिए एग्जेम्प्ट किया गया है यहाँ पर, इनको कोई भी पेमेंट जो है नहीं करनी है। और भी आप यहाँ पे डिटेल जो है देख सकते हो और भी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग आपके, तो यहाँ पे जो है इन्होंने मेंशन करके दे दिया है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं, तो देखिए सिलेक्शन जो प्रोसीजर है आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो भी वैकेंसी आपकी निकाली गई है, तो इसमें पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा फिर पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा, तो ये दोनों बेसिस के बीच जो है आपका यहाँ पे कराए जाएंगे यानी कि फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। और देखिए जो ऑनलाइन टेस्ट जो आपके होंगे, तो ये ऑनलाइन टेस्ट जैसे कि ये आपका पेयर होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ये एक्चुअली होगा आपका यहाँ पर ये। और इसके साथ में देखिए यहाँ पे मेंशन करके दे दिया है यहाँ पर आपका कि जो भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्जामिनेशन जो आपके होंगे तीन सारे सेंटर पे कंडक्ट किए जाएंगे जो भी मेजर सिटीज है जैसे भोपाल, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, यहाँ पे देखिए ये सारे सेंटर जो इन्होंने मेंशन करके दिया हुआ है। और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में जो है आपके क्वेश्चन पेपर आपके रहेंगे, तो ये चीज़ इन्होंने मेंशन करके आपका यहाँ पे दे दिया हुआ है। और देखिए इसके बाद जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका, तो जो आपका ऑनलाइन टेस्ट में जो भी परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेसिस पे यहाँ पे देखिए 1:7 के रेशियो में जो है कैंडिडेट को बुलाया जाएंगे नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए आगे का जो पर्सनल इंटरव्यू आपका रहेगा। और फाइनल सिलेक्शन देखिए इन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है यहाँ पे कि पैरामीटर आपका देखिए दिया ऑनलाइन टेस्ट का आपका जो 80% का कैरी करेगा वेटेज रहेगा और पर्सनल इंटरव्यू आपका 20% का रहेगा। तो इस तरीके से दोनों मिला के जो है आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन आपका किया जो फाइनल सिलेक्शन आपका किए जाएंगे, तो ये मेरिट लिस्ट जो है आपका तैयार किया जाएगा दोनों के बेसिस पे किए जाएंगे आपके। और भी देखिए नीचे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके दिए हुए हैं इसके रिगार्डिंग, तो ये सब सारा कुछ आप लोग देख लेना, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आपका तो वो जो है हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। और देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की हम लोग बात कर लेते हैं, तो देखिए जो ऑनलाइन अप्लीकेशन फिल करने का जो डेट आपका है तो ये 29/7/2022 आपको ये स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट डेट है इसकी 18/8/2022 है, तो आप लोग जिसको 18 अगस्त तक इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और भी देखिए जो भी डिटेल्स है तो आपको इस पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएंगे। और भी कोई डाउट आपका रहता है तो आप लोग कमेंट करना, इसका रिप्लाई आपको हम जरूर देंगे।